नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मतलब BSF में जो अभी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। तो इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस मतलब फील्ड में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंतर्गत जो है हेड कांस्टेबल के पदों पर ये भर्ती निकली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स में आप लोगों को जानकारी दूंगा मैं। देखिए, यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन जो अभी आया है, जस्ट ये भी आउट हुआ है नोटिफिकेशन, ठीक है। इसमें आपको जो है जनरल और EWS और OBC वालों के लिए जो है आपको 100 रुपये फीस रखी गई है। अगर आप STSC कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर कोई फीस देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर बाकी सभी चीज़ों को देख लेते। देखिए, आपका जो है लास्ट डेट कब की, तो 12/6 आपकी इसकी लास्ट डेट है, काफ़ी दिन है अभी, ठीक है। आराम से आप फॉर्म डालिएगा, ठीक है। यहाँ पर बात करें तो एप्लीकेशन जो है 14/5 मतलब 5वें महीने की 14 तारीख से जो है इसका आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी क्या क्या है इसमें जो आपकी योग्यता है, ठीक है, बाकी सभी चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो है HC रेडियो ऑपरेटर के लिए जो है आपको 300 पोस्ट है, ठीक है। वहीं यहाँ पर आपका जो मैकेनिकल है उसके लिए जो है मशीनिंग के लिए 772 पोस्ट आपकी है, ठीक है। मतलब काफ़ी पोस्ट है, ठीक है, 1000 के ऊपर आपकी पोस्ट है। एज की वहीं यहाँ पर बात करें तो आपका जो है 18 से 25 ईयर जो है आपकी एज रखी गई है, ठीक है। वहीं यहाँ पर देखिए योग्यता क्या चाहिए आपको, तो यहाँ पर आपको 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। PCM स्ट्रीम सब्जेक्ट एंड जो है 60% जो है आपका मतलब होना चाहिए मतलब 12वीं में, ठीक है। मतलब आप ये जो है मैथ्स और जो बायो वाले हैं, आपका आपका है मैथ्स बायो, तो ये आप जो है डाल सकते हैं फॉर्म, ठीक है। वहीं यहाँ पर अगर आपका ITI है तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। आप ITI है तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से ट्रेड, तो इलेक्ट्रीशियन वाले डाल सकते हैं, कोपा वाले डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सभी जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर हाइट की अगर बात करें तो आपको 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए, ठीक है। फीमेल की वहीं बात करें तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट, ठीक है। चेस्ट की बात करते हैं, यहाँ पर 80 से 85 के बीच आपका चेस्ट होना चाहिए, और यहाँ पर फीमेल के लिए जो है आपको कोई चेस्ट नहीं रखा गया। वहीं रनिंग की बात करें तो 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर आपकी जो है 6.5 मिनट में आपको पूर्ण, मतलब काफ़ी आपके पास टाइम यहाँ पर बच जाता मतलब होता है, ठीक है। यही यहाँ पर लॉन्ग जंप होगा आपका और हाई जंप यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लॉन्ग जंप की अगर बात करूँ तो यहाँ पर 3.65 मीटर आपको लॉन्ग जंप करना होगा, ठीक है, मतलब 9 फीट, ठीक है। और यहीं पर हाई जंप की अगर बात करूँ तो आपको जो है 1.2 मतलब यहाँ पर 3 फीट आपको जो है हाई जंप करना होगा, ठीक है। वहीं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उनकी बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ऑनलाइन जो एक्टिवेट होगा फॉर्म, ये 14/5 से जो है इसका जो है लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं, पूरा नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है। इसको डिटेल्स में देख सकते हैं ऑफिशियल साइट पर जाकर, या फिर आप सरकारी रिजल्ट की जो साइट वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या कुछ डिटेल्स है इस पोस्ट के लिए, कितनी जो वैकेंसी है, सभी चीज़ें यहाँ पर जो है डिटेल्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना है इसका वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। डिटेल्स में फॉर्म अप्लाई करेंगे, कोई भी गलती नहीं करना है, ठीक है। अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।